हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर हम आज आपके लिए लेके आए हैं उत्तर पूर्वी भारत की एक बहादुर और विकसित जनजाति नागा। नागा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक विकसित है। नागा मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य नागालैंड में निवास करते हैं। नागालैंड नागा बाहुल्य क्षेत्र है। नागा शब्द की उत्पत्ति के विषय में कुछ लोगों का विचार है कि अधिकांशतः नग्न रहने के कारण अथवा नाग की पूजा करने के कारण, इसके अलावा इन्हें बहादुर होने के कारण कछार जो इनके पड़ोसी हैं उनके द्वारा इन्हें नागरा कहा जाता था। इसके अलावा म्यांमार वर्मा में वर्मी भाषा में नागरा, जिसका अर्थ होता है कान में छेद वाले लोग, इस आधार पर भी इनका नाम नागा रखा गया है। निवास क्षेत्र, नागा लोग मुख्यतः नागालैंड के निवासी हैं, किंतु इस जनजाति के कुछ लोग अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी पाए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है, जिनमें से एक नागा पहाड़ी भी है। असम राज्य के पूर्व में स्थित नागालैंड का अधिकांश भाग नागा पहाड़ियों से आवृत है। इसके अतिरिक्त मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी नागाओं के निवास स्थान पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से नागाओं का निवास क्षेत्र नागालैंड है, एक विषम पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। नागा पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। लगभग संपूर्ण प्रदेश ऊंचा नीचा और वनों से आच्छादित है। यहाँ की जलवायु उष्णार्द प्रकार की है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है। नागाओं की उपजातियाँ, नागालैंड की पहाड़ियों में निवास करने वाले सभी जन समुदाय नागा कहलाते हैं। इसके अंतर्गत लगभग 30 उपजातियां हैं। नागा की उपजातियों में अंगामी, सेमा, रेंगमा, लहोथा, आओ, कोनियक, फोम, चांग, कंचा, काबुई, तेलुक आदि प्रमुख है। ये नागालैंड के समीपवर्ती नक्शे में हमने सभी जनजातियों के क्षेत्रों को दिखाया है। निवास क्षेत्र के अनुसार उत्तर में कौनियक, पश्चिम में अंगामी, रेगमा और सेमा, दक्षिण में कंचा और काबुई, पूर्व में तेखुल और मध्य भाग में लहोता, आओ, फोम और चांग जातियां मुख्यतः पाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था, नागा लोगों का मुख्य व्यवसाय स्थानांतरशील कृषि और आखेट करना है। ये लोग सामान्यतः दो प्रकार से खेती करते हैं। स्थायी खेतों वाली कृषि, जिसके अंतर्गत निचले भागों में खेती की जाती है, ये धान की खेती करते हैं। दूसरा स्थानांतरशील खेती, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसे कृषि के अंतर्गत जंगलों को काट कर, जलाकर और फिर भूमि तैयार कर खेती की जाती है। वर्षा होने पर खेत को लकड़ी के हल से चीरकर उसमें धान, कोटू, मड़ुआ जैसे मोटे अनाज बो दिए जाते हैं। नागाओं के कुछ वर्ग, विशेष रूप से अंगामी नागा, सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ी ढालों पर खेती करने में कुशल हैं। मणिपुर की निचली घाटियों में रहने वाले कुछ नागा स्थायी कृषक भी हैं। पर्याप्त वन, वृक्ष, झाड़ी आदि पाए जाने के कारण यहाँ चारा सदैव उपलब्ध रहता है। अतः नागा लोग कृषि के साथ साथ पशुचारण भी करते हैं। पशुओं के मांस और दूध प्राप्त करते हैं, साथ ही पशुओं का उपयोग खेती के कामों में भी करते हैं। आखेट, नागा कुशल शिकारी होते हैं। ये अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में शिकार करते हैं। शिकार के लिए ये लोग भाला, धनुष, बाण और दाब नामक हथियार का प्रयोग करते हैं। दाब इनका बहु उपयोगी हथियार है, जो लोहे की मोटी हंसिया के समान होता है। यह बहु उपयोगी है। इसका उपयोग वन में लकड़ी काटने,
मार्ग को साफ करने, शिकार करने, घर बनाने, आक्रमण करने या युद्ध में भी किया जाता है। पहाड़ियों के निचले भागों में स्थित तालाब, नदी आदि जलाशय में कुछ नागा समूह मछली भी पकड़ते हैं, जिसके लिए जाल, टोकरी आदि का प्रयोग करते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत यहाँ पर कई प्रकार के कुटीर उद्योग प्रचलित हैं। यहाँ मेकिंग ऑफ बास्केट, टोकरियाँ बनाना, बांस के उससे कपास उगाना, सूत कातना, कपड़ा बुनने का कार्य करना, मिट्टी के बर्तन करना, और हाँ विशेष प्रकार रूप से यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ है, लोहार, उसका बड़ा स्थान समाज में उसका उच्च स्थान माना जाता है। भोजन, ये वो दाब है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये बहु उपयोगी उपकरण है। इसके अलावा अन्य उपकरण हैं जो कृषि और आखेट के समय काम आते हैं। नागा लोगों का सर्व प्रमुख भोज्य पदार्थ चावल है। इसके साथ ही ये दाल, मांस, मछली, कंदमूल फल, साग सब्जी भी खाते हैं। मांस भी इनका प्रिय भोजन है, जिसे प्राय ये जंगली जानवरों का शिकार कर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सुअर, मुर्गी, भेड़, बकरी और सामान्यतः पाए जाने वाले जानवरों का मांस भी खाते हैं। चावल से बनाई गई शराब का उपयोग, चावल, दूध और मोटे अनाज, ये इनका मुख्य भोजन है, आप देख रहे हैं। और चावल से बनाई गई शराब का उपयोग सभी नागा करते हैं। विभिन्न वर्गों में भोजन संबंधी कुछ निषेध भी पाए जाते हैं, जैसे टेंगर खुल नागा बकरी नहीं खाते हैं, उसका मांस और उसके दूध का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार मारम नागा सुअर नहीं पालते हैं और ना ही उनका मांस खाते हैं। वस्त्र एवं आभूषण, सभी नागा वर्गों के लोग एक समान वस्त्र नहीं पहनते हैं, बल्कि उनके पोशाक में अंतर पाया जाता है। नागा लोग अधिकांशतः सूती वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये लोग प्राय कम वस्त्र धारण करते हैं। कुछ समूह केवल चमड़े की लंगोट पहनते हैं अथवा नग्न रहते हैं। पुरुष अधिकांशतः कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, किंतु स्त्रियां सामान्यतः घाघरा और चोली जैसा वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष सिर पर बैंत या बांस के छिलके या बालों से बनी टोपी पहनते हैं। कुछ नागाओं के सिर पर सींग और पशुओं के पंख बांधने का भी प्रचलन है। कुछ नागा शरीर पर शेर, चीता, धनुष, बाण आदि विरोचित चित्र भी गुदवाते हैं। स्त्रियां गले में मूंग, मोती या कौड़ियों की माला पहनती हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं इनके वस्त्रों को, अधो वस्त्र है, कमर से ऊपर वस्त्र बहुत कम पाया जाता है और कानों में विशेष रूप के से आभूषण पहनने का यहाँ पर रिवाज है। घर, नागा लोगों की बस्ती ऊंची और पहाड़ी कटकों पर बसाई जाती है, जिसके चारों ओर कृषि योग्य भूमि और स्थायी जल स्रोत की उपस्थिति आवश्यक होती है। घर प्राय घास फूस पत्ती के छप्पर वाले बनते हैं। प्रत्येक घर के आगे और पीछे की ओर क्रम से बड़ा और छोटा द्वार बनाया जाता है। लकड़ी के लट्ठों से निर्मित कोटेदार घर में ऊपर ये लोग स्वयं रहते हैं और नीचे हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए अपने पशुओं को बांधते हैं। ये सामाजिक संगठन में एक महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी। अधिकांश नागा जातियों में सम्मिलित परिवार प्रथा पाई जाती है और पुरुष तथा स्त्रियों के कार्य प्राय बटे होते हैं। पुरुष का काम आखेट करना है, कृषि कार्य पर खेतों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काम करती हैं। कपड़े बुनने का और सिलने का काम स्त्रियां करती हैं। भोजन पकाने की जिम्मेदारी स्त्रियों की है। गांव में एक मुखिया होता है जो प्राय वंशानुगत होता है, किंतु उसका बहादुर होना अनिवार्य है। उसे सभी प्रकार के सामूहिक निर्णय लेने का अधिकार होता है। वही पारिवारिक और सामाजिक विवादों का निपटारा भी करता है। प्रत्येक नागा गांव में एक विशाल सेनागार स्लीपिंग हॉल बनाया जाता है, जहां रात्रि में गांव के सभी अविवाहित पुरुष निवास करते हैं। इसे मोरंग कहते हैं। दिस इज ए मोरंग हाउस, ये मोरंग हाउस है। देखिए आप इसकी क्या विशेषता है। इस सेनागार में युवतियों का प्रवेश निषेध होता है। नागाओं की सांस्कृतिक गतिविधियों का यह केंद्र होता है। यहाँ नागा युवकों को उनके जीवन कर्तव्यों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। यह वरिष्ठ व्यक्ति युवकों को अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्य से अवगत कराते हैं।
और अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए तैयार करते हैं। इसी प्रकार के स्लीपिंग हाउस महिलाओं के लिए भी कुछ नागा गांवों में पाए जाते हैं। रीति रिवाज, नागाओं में विवाह की दो प्रथा प्रचलित हैं। एक, वे नागा जो भौतिक और सामाजिक रूप से सशक्त हैं वे अपने लिए लड़की ढूंढते हैं, और हिंदू विवाह की तरह शुभ तिथि का विचार करके लड़का और लड़की का विवाह कर दिया जाता है। वर पक्ष विवाह के उपलक्ष में वधु पक्ष को उपहार या वधु मूल्य देता है। संभ्रांत व्यक्तियों में इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। दूसरी प्रथा के अनुसार कोई युवक अपनी पसंद की युवती को अपने घर ले जाता है, दोनों का एक दिन के लिए बहिष्कार करते हैं, बाद में दोनों का विवाह कर दिया जाता है जो प्राय उत्सव रहित रहता है। एक अन्य प्रथा के अनुसार विवाह योग्य युवक और युवती की सगाई के पश्चात युवक को युवती के माता पिता के घर सामान्यतः एक वर्ष या कुछ महीने सश्रम काम करना पड़ता है, और गृहस्थी वहन करने योग्य पाए जाने पर विवाह संपन्न होता है। नागाओं में विधवा विवाह भी प्रचलित है, किंतु यह परिवार के व्यक्ति से ही किया जाता है। अंगामी नागा अपनी जाति में ही विवाह संबंध स्थापित करते हैं। नागाओं का एक जो महत्वपूर्ण त्यौहार होता है या फेस्टिवल है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल में सभी नागा जितने भी 30 प्रकार की लगभग इनकी जो सब जातियां हैं वो एक ही स्थान पर कोहिमा के पास इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर ये अपने पूरे कल्चर को शो करते हैं। और अब ये प्रतिवर्ष वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। नागा एक युद्ध प्रिय जाति है। नागाओं का संपूर्ण जीवन युद्ध में होता है। ये लोग भूत प्रेत और जादू टोने में भी अटूट विश्वास रखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए इन्हें नर बलि और पशु बलि चढ़ाने का भी प्राचीन काल से इनके यहाँ परंपरा चल रही है। किंतु अब नागालैंड राज्य बन जाने के बाद नागाओं में नवीन जागृति आई है। यूरोपीय मिशनरियों के प्रभाव तथा शिक्षा के विस्तार के से अंधविश्वास कम होने लगा है, और अब नागा असभ्य नहीं रह गए हैं। ये लोग अब देश की मुख्य धारा के अंग बनते जा रहे हैं और पुरानी जनजातीय प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव ला रहे हैं। थैंक यू सो मच।